कोरोना के असर के चलते ओचेहरा में गरीबों के घर पहुंची भुखमरी। ओचेहरा रेलवे स्टेशन में किसी भी ट्रेन का स्टॉपेज न होने के कारण यहां के नागरिकों ने एक जुलूस निकालकर रेलवे प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें यह मांग की गई थी कि पहले से ओचेहरा में जिन ट्रेनों का स्टॉपेज है उन्हें तत्काल रोका जाए, अन्यथा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। संकट मोचन चौराहे से एक जुलूस दीपांशु समदरिया के नेतृत्व में निकाला गया, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां पर रेलवे प्रबंधन को अपनी मांगों से अवगत कराते हुए एक ज्ञापन सौंपा गया, जिनमें कई संघों के प्रतिनिधि मंडल मौजूद रहे। बता दें कि ट्रेनों का आवागमन बंद हो गया था, अब कई ट्रेनें चलने लगी हैं जिन्हें स्पेशल ट्रेन का दर्जा दिया गया, मगर ओचेहरा से जो छोटे रेलवे स्टेशन है वहां पर ट्रेन रुक रही है। लेकिन ओचेहरा में उन ट्रेनों का स्टॉपेज न होने के कारण यहां के हजारों लोग रोजी रोटी कमाने के लिए सतना मैहर नहीं जा पाते और हालात यह हो गई है कि वह भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। सतना से रविशंकर पाठक की रिपोर्ट। हेलो, इसको फाइनल छिपका ब्लॉक होगा तो लोग हाँ भैया नहीं घूमा है यही हो गया। जो जो हमारे एक हजार लोग मजदूरी करने सतना जाते हैं, उनके घर में चूल्हा कैसे जलता है, कैसे कहाँ मजदूरी पाते होंगे, साइकिल जाते हैं मजदूरी करने सतना कितनी एमएसटी बनती थी के बाद सक्षम अधिकारी आए हुए हैं। मैं उनसे चाहता हूं कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूर्ण करें और हम हमेशा रेलवे प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। और ओचेहरा रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो इस श्रेणी में होते हुए भी सतना डिवीज़न में सबसे ज़्यादा इनकम देता है। उसके बाद भी हमारे रेलवे स्टेशन ओचेहरा के साथ हमेशा न्याय होता रहा है और हमने इसके पूर्व भी कई सक्षम अधिकारियों से, जीएम साहब से जबलपुर, डीआरएम साहब से, यहाँ के एएन साहब से ओचेहरा रेलवे स्टेशन के विस्तार के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए कई प्रस्ताव दिए हैं और लॉकडाउन की वजह से हमारे कई प्रस्ताव रुके हुए हैं, कई सौंदर्यीकरण के कार्य रुके हुए हैं और धीरे धीरे ओचेहरा रेलवे प्रशासन के सहयोग से काफ़ी अच्छा बनेगा। ये लॉकडाउन की वजह से ज़रूर कुछ परेशानी हुई है हमारे क्षेत्र की जनता के लिए, रेलवे प्रशासन के लिए, तो हम इसीलिए आज सब लोग आए हैं पूरे ओचेहरा क्षेत्र के संगठन के पदाधिकारी लोग कि भाई हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। मैं यही बात चाहता हूं कि हमारे सक्षम अधिकारी जल्द से जल्द हमारे स्टेशन की सुविधाओं को पूर्ण करें। देखिए, ओचेहरा रेलवे स्टेशन में आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो हमने आज पहला एक यहाँ पे जो हमारी पूर्व में ट्रेनों के स्टॉपेज थे ओचेहरा में, उनका फिर से पुनः संचालन किया जाए, फिर से ट्रेन रोकने के लिए हमने आज ज्ञापन दिया है और सक्षम अधिकारियों से हमने कहा कि भाई ये आप अपनी हमारी बात को उच्च अधिकारियों के पास पहुंचाइए और 15 दिवस के अंदर अगर हमारी मांगों में कोई मांग हमारी नहीं मानी जाती है तो हम यहाँ के सक्षम जनप्रतिनिधियों के सहयोग से एक जन आंदोलन करने की तैयारी करेंगे, क्योंकि हमारी सभी मांगें जायज़ हैं और हमारे ओचेहरा रेलवे स्टेशन के साथ हमेशा से अन्याय होता रहा है और यहाँ की जनता जब जब लड़ाई लड़ी है न्याय के लिए, तभी हमारी मांगों में कुछ न कुछ उसमें सुधार हुआ है, कुछ न कुछ मांगें पूर्ण की गई हैं।